डीडवाना कुचामन जिले के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर लाडनू विधायक मुकेश भाकर की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने धरना दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये धरना लाडनू उपखंड क्षेत्र के नजदीकी ग्राम दूजार के पास 25 सितंबर को एक युवक ओम प्रकाश उम्र 25 वर्ष निवासी बाकलिया के शव मिलने के मामले में दिया गया। परिजनों ने शव मिलने के मामले पर हत्या की आशंका जताई थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए परिजनों और सैकड़ों लोगों ने विधायक मुकेश भाकर की अगुवाई में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना दिया। धरने को लेकर भारी पुलिस जाप्ता भी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर तैनात किया गया। वहीं धरने पर लाडनू डिप्टी विक्की नागपाल, खूनखुना थानाधिकारी देवीलाल बिश्नोई व अन्य पुलिस के अधिकारी पहुंचे और विधायक मुकेश भाकर व परिजनों से वार्ता की और एक प्रतिनिधि मंडल जिला पुलिस अधीक्षक से भी मिला और विभिन्न मांगों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया और जिला पुलिस अधीक्षक के उचित आश्वासन के बाद में धरना समाप्त किया गया। विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद में ये धरना समाप्त किया गया। 20 दिन पहले लाडनू में एक दिन दहाड़े हत्या की वारदात हुई, मर्डर हुआ, उसमें परिजन और गांव वाले सब धरने पे थे। सबकी सहमति बनी 3 दिन बाद कि एक समयबद्ध तरीके से पुलिस उसकी जांच करे, लेकिन आज 20 दिन बीतने के बाद भी वहां कोई भी तरीके से ना लोग चिन्हित हुआ कोई अपराधी, ना किसी भी तरीके की जांच आगे बढ़ी। वहां के प्रशासन से हमने उस दिन वार्ता की, चाहे DYSP हो चाहे वहां के SHO हो, सबसे, लेकिन आज सब लोगों का ये था कि जांच वहां की वहां है, SP ऑफिस पे हम लोगों को आकर सब लोगों को बात करनी चाहिए। क्या हमें सकारात्मक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहता। जो मृतक है वो परिवार में अकेला बच्चा था, आज उसके परिवार उसका घर बंद हो चुका है। तो सभी लोगों का ये था कि कुछ बातों पे अगर हमारी सकारात्मक वार्ता होती है तो हम लोग आज यहाँ से एक समय के लिए हम लोग यहाँ से धरना उठाएंगे, नहीं तो सब लोग यहीं बैठेंगे। अभी परिवारजन, गांव और सब जनप्रतिनिधियों के साथ SP साहब की मुलाकात हुई है और ये तय हुआ है कि जो जांच आगे नहीं बढ़ पाई, जो अधिकारी वहां जांच कर रहे थे उनसे हटाकर एक एडिशनल SP, 2 DYSP, 1 SHO, 2 SHO, इनके नेतृत्व में अलग से टीम बने और ये इसको समय तरीके से अगले 15 दिन में इसका कुछ रिजल्ट दे। इसके साथ जो FSL है नागौर के अलावा जयपुर से एक अलग से FSL टीम नियुक्त हो और इसकी FSL की रिपोर्ट आए। और तीसरी कि लाडनू थाने में लंबे टाइम से CI का पद खाली पड़ा है, उस पर कोई अच्छा अधिकारी लगे ताकि वहां कानून व्यवस्था बनी रहे। इन मांगों पे हमारी बात हुई और सब जनप्रतिनिधि उसके परिवारजनों के साथ सबने ये माना है कि हमें, क्योंकि जो मोबाइल डाटा है FSL है उसमें जो समय है उसको देखते हुए कि एक कोई निष्कर्ष पर पुलिस पहुंच पाए, हम लोग मृतक के परिवार को न्याय दिला पाए, इसको लेकर अगले 15 दिन के लिए जो टीम बनी है उसको समय मिले और अगले 15 दिन बाद हम लोग वापस सब इकट्ठे, अगर मर्डर नहीं खुलता है तो हम लोग इकट्ठे होकर वापस से रणनीति बनाएंगे कि धरना लाडनू में चलेगा, डीडवाना चलेगा, जयपुर चलेगा, आगे का क्या आंदोलन है। लेकिन जो 5 लोग लगाए हैं वो SP साहब ने अपने भरोसे के लोग लगाए कि भाई मैं इन अधिकारियों को जो लगा रहा हूँ, 2 डिप्टी हैं, 2 SHO, 1 ADS, इनको लाडनू में आज SHO लग जाएगा, जो भ्रष्ट अधिकारी वहां लगे हुए हैं उन पे कार्रवाई हो, इन मांगों को लेकर हमारी बात हुई। और अगली हमारी जो वार्ता है वो दीपावली के पास, वापस अगर 15 दिन में ये नहीं चीजें सामने आती है तो उसके बाद आगे का आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।